अपने मोबाइल पर रेड बटन को क्लिक करके मुझे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंजना और मेरे किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी मिठाई की रेसिपी लेकर आई हूं। ये मैं घर में जो चीजें रहती है उसी से बनाई हूं और इसमें कुछ मैंने होममेड कलर बनाने के टिप्स दिए हैं, तो मेरी वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। और प्लीज रेसिपी पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन के लिए जो बेल आइकन दिए उसे प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ ये मिठाई घर की चीजों से कैसे इजिली बन जाती है। इसमें मैंने मावा, घी, मिल्क पाउडर किसी चीज का यूज नहीं किया है। तो देखिए घर की चीजों से कितनी अच्छी हमारी मिठाई बनी है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें मैंने बिल्कुल होममेड कलर यूज की है जिसमें कोई भी केमिकल नहीं है। तो इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर फॉलो कीजिएगा, तो उसमें मैं बताऊंगी कि किस तरह से आपको घर में कलर बना सकते हैं और बिल्कुल ओरिजिनल कलर। ये देखिए हमारी कितनी अच्छी बनकर रेडी हुई है और इसे कट करके भी मैंने आपको दिखाया है, बहुत ही अच्छी बनी है फ्रेंड्स। तो चलिए मैं आपको इसकी रेसिपी दिखाती हूँ। मेरी वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर फॉलो कीजिएगा। तो देखिए नारियल के लड्डू बनाने के लिए हमने ये नारियल का चूरा लिया है 1 कप। 2 कप हमने लिया है, इस कप से किसी भी कप से मेजरिंग कर लीजिए आप। उसके बाद आप इसे किसी भी कप से, जिस कप से मेजरिंग कीजिएगा उसी कप से सारे जो भी चीज डालने होंगे उसी से मेजरिंग कीजिएगा। गैस ऑन करके एक पैन रख दिया हमने और 1 कप बूरा हमने डाला है और 1 कप मैं डाल दूंगी इसमें। ये जो चूरा होता है जिसे डेसिकेटेड कोकोनट कहते हैं वो बाजार में आपको आसानी से मिल जाएगी या घर में भी आप बना सकते हैं, लेकिन बाजार में आसानी से ये अच्छी क्वालिटी की मिल जाती है और मॉल वगैरह में तो बहुत ही आराम से मिल जाती है, या आप जिस राशन का सामान जहां से लाते हैं वहां भी आपको ये मिल जाएगी। तो इस तरह से मैंने 2 कप डाल दिया है। इसे हमें बिल्कुल लो फ्लेम पर इस तरह से हल्का सा सेक लेना है, इसका कलर हमें चेंज नहीं करना है। तो मीडियम टू लो फ्लेम पर हमें इस तरह से इसे चलाते हुए सेक लेना है, हल्का सा। नहीं भी सेकेंगे तो चलेगा, लेकिन हल्का सा इसे, इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए। और ध्यान रहे कि आंच जो गैस की फ्लेम है तेज ना हो। इस तरह से हम सेक लेंगे और इसमें मैं इस मिठाई में कुछ टिप्स आपको दूंगी। टिप्स इस चीज की रहेगी कि मैं कलर होममेड कलर बनाकर डालूंगी जिसे आप घर में आसानी से बना सकते हैं। और इस मिठाई में और एक बात है कि मैं मावा, घी, मिल्क पाउडर, कंडेंस मिल्क किसी भी चीज का यूज नहीं कर रही हूँ। ये आप घर में पड़े हुए जो भी सामान है उसी से आप आराम से बना सकते हैं। घर की चीजों से ही आराम से बन जाएगी मिठाई और आप मिठाई देखकर सोचेंगे, पता भी नहीं लगा पाएंगे कि ये इतनी अच्छी मिठाई घर की चीजों से बनी है। तो इस तरह से सेक लेना है हमें। और मैं आपको कलर भी जो बता रही हूँ वो होममेड कलर है, बहुत ही आसानी से बना। तो ये हल्का सा ये इसे हमने सेक लिया। अब मैं डाल दूंगी 2 कप हमने कोकोनट पाउडर यानी कि डेसिकेटेड कोकोनट, नारियल का चूरा लिया था। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ, देखिए 1 कप दूध। ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर है, ना अधिक ठंडी है ना गर्म है, ये रूम टेम्परेचर पर दूध है। तो दूध हल्की हल्की डालेंगे, एक साथ नहीं डालनी है हमें। 1 कप दूध मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो इस तरह से डालते जाना है और इसे मिक्स करते जाना है। देख सकते हैं आप, मैं थोड़ी थोड़ी ये दूध डाल रही हूँ। फ्लेम हमें अभी भी मीडियम टू लो ही रखनी है। इस तरह से मैंने 1 कप दूध डाल दिया और इससे अच्छी तरह से नारियल का जो चूरा है आप देख सकते हैं उसमें मैं अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स कर ले रही हूँ। और दूध को सूखने तक हमें इसे इस तरह से मिक्स करना है।
तो देखिए इस तरह से सारे बुरादे में हमने दूध को मिक्स कर लिया। और यहाँ पर मैं डाल दूंगी जिस कप से हमने मेजरिंग करके, ये वाली कप से हमने नारियल का चूरा लिया था दो कप और एक कप हमने दूध डाला है, और उसी कप से हाफ कप, उसी वाले कप के आधे कप है हाफ कप इससे मैं पाउडर शुगर यानी कि चीनी का पाउडर, चीनी को हमने मिक्सर में पाउडर कर लिया और उसे डाल दिया। इसकी जगह आप बूरा भी यूज कर सकते हैं, तो मैं पाउडर शुगर का यूज कर रही हूँ। चीनी को मिक्सर में पीस कर आप इस तरह का चूरा बना सकते हैं, लेकिन जब भी किसी चीज की पाउडर आप बनाएं तो उसे मिक्सर को लगातार नहीं चलाइएगा, पल्स मोड में थोड़ी देर कुछ सेकंड चलाकर फिर उसे फिर रोककर फिर चलाना। देखिए तो चीनी और दूध को हमें इस तरह से मीडियम टू लो फ्लेम पर अच्छी तरह से पहले पका लेनी है। अभी चीनी में से भी पानी निकलेगी तो इसे हमें बिल्कुल सूखा कर लेना है। तो देखिए इस तरह से इसमें कि जो भी दूध और चीनी में से पानी निकली है उसे हमें अच्छी तरह से सूखा लेना है। तो अभी भी देख सकते हैं इसमें थोड़ी सी मॉइस्चर है, तो इसे बिल्कुल सूखा कर लेंगे। इसी तरह से मीडियम टू लो फ्लेम पर चलाते हुए हमें इसे बिल्कुल सूखा कर लेना है। तो देखिए ये इस तरह से सूख चुकी है। तो देखिए मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे हमने चलाते हुए इस तरह से सुखा लिया है। अब इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है, चीनी और दूध दोनों सूख चुके हैं। तो इसमें क्या करूंगी मैं, इसमें से 4 पार्ट मैं डिवाइड कर रही हूँ, उसमें से एक हिस्सा मैं इसमें एक प्लेट में इस तरह से निकाल लूंगी। 2 कलर से मैं बनाऊंगी इसलिए मुझे एक हिस्सा इसमें निकालना है। तो इस तरह से इसे मैंने निकाल लिया, मतलब 4 पार्ट में 4 पार्ट करके उसमें से एक पार्ट निकाल लिया हमने और ये 3 पार्ट इसमें रह गई है। तो इसमें मैं कलर डालूंगी। तो गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना है ताकि ये जो हमारी है ये जले ना। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे होममेड कलर बनती है। तो देखिए बीट रूट जो बाजार में मिलती है, चुकंदर जिसे कहते हैं, वही बीट रूट है जिसे आधे बीट रूट को हमने छीलकर इस तरह से ग्रेट कर ली है, और इसकी मैं इसे निचोड़कर इसका कलर निकाल लूंगी। देखिए इस तरह से आप जब निचोड़ेंगे ना इसे तो इसमें से ये कलर निकल रही है, इसी कलर ये होममेड फूड कलर मैं डालूंगी इसमें। गैस को हमने ऑफ कर दिया है, नहीं तो ये जो है जब तक मैं कलर बनाऊंगी तो ये जल जाएगी। यदि आप बाजार का कलर यूज करेंगे तो आप गैस को बंद मत कीजिएगा, मैं इसका कलर निकाल लूंगी। तो इस तरह से मैं इसका कलर निकाल लेती हूँ इसे निचोड़कर या छन्नी में डालकर। तो देखिए ये बीटरूट को हमने इस तरह से मैं आपको दिखा दे रही हूँ, जो हमने ग्रेट किया था बीटरूट को इस तरह से हमने छन्नी में हाथ से निचोड़कर 1/4 कप से थोड़ी कम हमने कलर ले ली है। तो इसमें मैं थोड़ी थोड़ी कलर डालूंगी, ये होममेड कलर है हमारी। देखिए कितनी अच्छी पिंक कलर आ रही है। तो ये फूड कलर है और कुछ आपको इसमें कुछ भी केमिकल वगैरह नहीं है। तो इस तरह से थोड़ी थोड़ी डाल दूंगी मैं। आप इसकी जगह बाजार के जो फूड कलर मिलते हैं लिक्विड फॉर्म में होते हैं या पाउडर बेस में होते हैं उसे भी डाल सकते हैं या रू अफ्जा भी डाल सकते हैं, लेकिन इतनी अच्छी कलर आपको रू अफ्जा में भी नहीं आएगी। देखिए बीटरूट की कलर को आप देख ही सकते हैं कितनी अच्छी पिंक कलर आ रही है। तो पहले मैं मिक्स कर लेती हूँ, उसके बाद गैस ऑन करूंगी। तो मैं थोड़ी थोड़ी कर ही कलर डाल रही हूँ, जिस तरह का हमें पिंक कलर चाहिए उस तरह के लिए। 1/4 कप से कम ही कलर निकली है हमारी, आधे बीटरूट को हमने ग्रेट करके उसका कलर निकाल लिया है।
देख सकते हैं फ्रेंड्स कितनी अच्छी कलर आ गई है हमारे नारियल के इस मिठाई में। डाल देती हूँ पूरी कलर। तो ये हमने 1/4 से थोड़ी कम 1/8 कप हमने डाली है कलर इसमें, मतलब 1 कप का 8वां हिस्सा हमने कलर डाला है। इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। और अब मैं अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद गैस ऑन करूंगी, नहीं तो ये कलर जल नारियल जल सकते हैं हमारे। इस तरह से मैं पूरी अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी पहले। तो देखिए अच्छी तरह से हमने पूरे नारियल में इसे पहले गैस ऑन करने से पहले मिक्स कर लिया हमने, और अब मैंने गैस ऑन कर दिया है और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखा है। तो थोड़ा सा जो इसमें जो कलर में जो पानी है हमारी बीटरूट कलर हमने डाली है उसे थोड़ी सी मैं इस तरह से इसे सुखा लेती हूँ उसमें। इस तरह से लो टू मीडियम फ्लेम पर जैसे हमने उसे बनाया था उसी तरह से हमें इसे मैंने लो टू मीडियम ही रखी है फ्लेम, क्योंकि थोड़ी सी भी हाई करेंगे तो ये जल सकती है, इसका कलर खराब हो सकता है। वाओ फ्रेंड्स देख सकते हैं बीटरूट की कलर बहुत ही अच्छी कलर आई है। और सबसे बड़ी बात है कि ये खुद आप अपने कोई भी केमिकल नहीं, बाजार वाले क्या डाल रहे हैं किस चीज से बना रहे हैं, लेकिन ये घर की कलर कितनी अच्छी बनी है और कलर आप देख ही सकते हैं। इस तरह से मैं इसे जो भी इसमें थोड़ी पानी है कलर में उसे सुखा लेती हूँ। तो देखिए इस तरह से हमने इसे कंटिन्यू लो टू मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए इसमें जो कलर में जो पानी थी, हमने बीटरूट का कलर डाला है तो उसमें तो थोड़ी पानी होगी ही बीटरूट में, बीटरूट वाली कलर में। तो इस तरह से हमने इसे सुखा लिया है देख सकते हैं। तो अब मैं कर दूंगी गैस को ऑफ और इसे मैं एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेती हूँ, थोड़ी सी ठंडी हो जाए उसके बाद मैं इसे बनाऊंगी। तो देखिए इसे हमने दोनों पार्ट को व्हाइट वाले और इसे एक प्लेट में ट्रांसफर कर लिया है। 10 मिनट इसे हम ठंडी होने देते हैं, जिस तरह से हाथ को से मैं इसे लड्डू का आकार दे पाऊं उतना ही ठंडा करना है हमें, उसके बाद मैं बनाती हूँ कैसे बनेगी ये लड्डू। तो देखिए ये दोनों जो भाग है वो ठंडी हो गई, हाथ को टच करके देख लेना। ये 5 से 6 काजू को हमने बारीक इस तरह से कट कर लिए, ये व्हाइट वाले पीस में मैं इसे मिक्स कर लूंगी। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, यदि आपको नहीं मिक्स करनी है तो आप बिना काजू वगैरह के भी इसे बना सकते हैं। तो ये व्हाइट वाले मिश्रण में मुझे अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है। तो देखिए ये काजू को बारीक कटे हुए काजू को हमने व्हाइट वाले पीस में मिक्स कर लिया है। हाथों को अच्छी तरह से थोड़ी सी घी लगाकर ग्रीस कर लेते हैं ताकि ये मिश्रण जो है चिपके ना। और इसकी मैं छोटी छोटी बॉल बनाऊंगी, व्हाइट वाली जो पार्ट की बिल्कुल छोटी छोटी सी बॉल बनाऊंगी। इसे मैं दिखा देती हूँ आपको, देखिए ये छोटी बॉल, इस तरह की छोटी छोटी बॉल बनाकर हम एक प्लेट में इस तरह से अलग रख लेते हैं। तो देखिए व्हाइट वाली बॉल हमने 12 यानी 12 पीस बनाए हैं, तो इसके भी हमें 12 पीस ही बनाने होंगे। तो ये भी मिश्रण को हाथों में थोड़ी सी घी लगाकर हमने हाथों को ग्रीस कर लिया है। ये थोड़ी बड़ी लेंगे हम और हाथों से इस तरह से प्रेस करते हुए पहले गोल इसे इस तरह से दबाते हुए लड्डू का आकार देंगे। हाथ से इस तरह से प्रेस कर देंगे, गोल बनाकर हल्का सा इसे प्रेस कर देना है हमें, और इसे इतना फ्रेश हमें चिकना नहीं करना है। देखिए इस तरह से हम इसमें जगह बना लेते हैं और ये बीच में ये व्हाइट वाली बॉल एक डाल देंगे और इसे मैं चारों तरफ से बंद कर दूंगी, इसे अंदर रखूंगी। तो इस तरह से जैसे किसी चीज की को हम फिल करते हैं ना, भरते हैं आलू वगैरह, उस तरह से इसे भी हम चारों तरफ से गोल कर भर देंगे, साइड वाले को ऐसे
इसे छुपा देंगे इसके अंदर। देखिए इस तरह से हमने इसे छुपा दिया अंदर। तो देखिए एक लड्डू हमने बना ली है, इसे एक प्लेट में इस तरह से रख देती हूँ और इसे सारे लड्डू बना लेंगे। सारे लड्डू हमने बना लिए हैं, अब मैं इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देती हूँ। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कितनी अच्छी बनी है और थोड़ी इसे डेकोरेट भी करूंगी मैं। तो चलिए इसे आधे घंटे फ्रिज में रख देते हैं। तो देखिए आधे घंटे हमने इसे फ्रिज में रखा था और ये बहुत ही अच्छी बनकर रेडी हो गई है, देख सकते हैं बहुत ही अच्छी हार्ड हो गई है। तो इसे मैं थोड़ी सी डेकोरेट करूंगी। तो ये मैंने डेसिकेटेड कोकोनट यानी नारियल का चूरा लिया है और थोड़े से हमने पिस्ते लिए हैं। तो इस तरह से हम डेकोरेट करेंगे इसे, देखिए इस तरह से थोड़ी सी। देखिए इस तरह से डेकोरेट करने पर ये और भी सुंदर लग रही है और बिल्कुल बाजार जैसी लग रही है। एक एक पिस्ते के कतरन को मैं इस पर रखती जाऊंगी। तो देखिए ये हमारी बिल्कुल घर की चीजों से इतनी अच्छी मिठाई बनकर रेडी हो गई है और इसमें मैंने घी, मावा, मिल्क पाउडर, कंडेंस मिल्क कुछ भी यूज नहीं किया है। तो इसे आप बहुत ही जल्दी घर में घर की चीजों से बना सकते हैं। तो इस दीपावली पर इसे जरूर बनाइए और माँ लक्ष्मी को इसका भोग भी आप लगा सकते हैं। तो ये हमारी बन गई है, मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ कि कितनी अच्छी बनी है ये। तो देखिए इस तरह से एक को मैं कट कर रही हूँ और दिखा रही हूँ कि अंदर ये कितनी अच्छी बनी है, देख सकते हैं फ्रेंड कितनी प्यारी लग रही है ये। और एक मैंने इस तरह का बनाया है, आप चाहें तो व्हाइट के अंदर पिंक भी डालकर बना सकते हैं। मैं आपको दिखाने के लिए इस तरह का बनाई हूँ, देखिए ये बिल्कुल बहुत ही अच्छी बनी है। तो आप इसे जरूर बनाइए और अपनी फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। ट्राई कीजिए, रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।